हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्लाउज की पेक डिजाइन आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, 14.5 इंच, शोल्डर है 5 इंच, आर्म होल है 5.5 इंच और ये ब्लाउज 34 साइज पे है, 34 साइज पे। 34 का 1/4 लेंगे 8.5 इंच डेढ़ इंच मार्जिन के लिए, कमर का 1/4 लेंगे 1 इंच टक्स के लिए डेढ़ इंच मार्जिन के लिए, गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, गले की लंबाई रखेंगे 10.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रखनी है और निशान को इस तरह से बराबर में मिला देंगे और इस तरह से नेक का शेप दे देंगे। तो इस तरह से देखिए, गले का शेप हमें 5 शेप में दे देना है और इसी निशान पे अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग मैंने कर लिया है, अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे और ऊपर से अस्तर कपड़े को बराबर में रखते हुए पिनअप कर लेंगे और गले पर एक पैर का मार्जिन या फिर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए गले की सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं गले की सिलाई मैंने लगा दिया है। अब जो सेंटर की एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करेंगे। तो इस तरह से बराबर में सेंटर की एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है ताकि अस्तर कपड़े उल्टे तरफ पलटेंगे तो नेक का फिनिशिंग बिल्कुल बराबर में आए। और फिर अस्तर कपड़े को इस तरह पलट लेना है और ऊपर से अस्तर कपड़े के ऊपर से ही एक टॉप स्टिच लगानी है। और अब हम अस्तर कपड़े को उल्टे तरफ पलट लेंगे इस तरह से और गले के कॉर्नर पर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं गले की सिलाई हमने कर लिया है। अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे हम। तो ब्लाउज वाले फैब्रिक को हमें उल्टे तरफ पलट लेंगे इस तरह से और साइड से सिलाई करते हुए दोनों फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। हाथ से कपड़े को बराबर करते जाएंगे ताकि कपड़े के अंदर कोई भी सिल या क्रीस ना रहे और फिर साइड से सिलाई करते हुए दोनों फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा दिया है, फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को चारों तरफ कट कर लिया है। अब इस पर हम टक्स की सिलाई करेंगे। साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और टक्स की सिलाई करेंगे। टक्स की लेंथ 4.5 इंच रखनी है और इसी तरह से अब हम दूसरे साइड भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। बराबर में इस तरह से फोल्ड करना है और टक्स की सिलाई करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ टक्स की सिलाई कर लिया है। अब नीचे के साइड कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कमर पट्टी को सिलाई करेंगे और कमर पट्टी को इस तरह पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। और अब कमर पट्टी को उल्टे तरफ डबल फोल्ड करते हुए, चाहे तो आप इस पर तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से इस पर रफ स्टिच लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने रफ स्टिच लगा दिया है। तो ये बैक पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। तो इसे करते हैं साइड। अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग को पहले बराबर में इस तरह से फैलाते हुए रखेंगे और ऊपर से बैक पार्ट को बराबर में रखना है इस तरह से। और गले पर एज इट इज़ पहले हमें ड्रॉ करना है पेपर पेस्टिंग को ऊपर। तो इस तरह से देखिए, पेपर पेस्टिंग को ऊपर हमें ड्रॉ करना है। तो मैंने अच्छे से पहले पिनअप कर दिया है और फिर बराबर में गले पे इस तरह से निशान बनाएंगे पेपर पेस्टिंग पर। और फिर नीचे के साइड पे जो हमने टैक्स की सिलाई किया है उस साइड भी हमें इस तरह से निशान को लगा देना है। और इस साइड देखिए कुछ इस तरह से हमें निशान को बनाना है। तो ये गले का डिजाइन कुछ इस तरह से रहेगा। अब इसके साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से 2-2 इंच का निशान बनाएंगे और निशान को अच्छे से मिला देंगे। तो इस तरह से देखिए, निशान को हमें अच्छे से डार्क कर लेना है और इसी निशान पे अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं गले की कटिंग मैंने कर लिया है। अब हमें कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लेना है। गोल्डन कलर की मैंने कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है। ऊपर से देखिए, हमें पेपर पेस्टिंग वाले डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे और साइड से सिलाई करके इसे बराबर में जॉइंट करेंगे। चाहे तो आप इसे प्रेस करके भी चिपका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाई करके इसे अच्छे से जॉइंट कर दिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने बराबर में चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक पट्टी लेना है। पट्टी की चौड़ाई लगभग 3.5 इंच है, 3.5 इंच, और इसे सेंटर से इस तरह से बराबर में फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई करते हुए इसे जॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जॉइंट लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और अब पट्टी को किसी चीज़ की मदद से हमें सीधा कर लेना है और हाथ से बराबर में इसे इस तरह से बराबर कर देंगे और ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे।
और अब डिज़ाइन के लिए पट्टी को कट करना है। तो इस तरह से देखिए, 2.5 इंच की लंबाई या फिर 3 इंच की लंबाई रखते हुए पट्टी को कट करेंगे। 3 इंच या फिर 2.5 इंच की लेंथ रखते हुए हमें पट्टी को कट करना है। तो इसी तरह से हम सारे पट्टी को कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने सारे पट्टी को कट कर लिया है। अब इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए चाहिए हमें मोती। मोती को देखिए, हमें पहले क्या करना है, इस तरह से इस वाले पट्टी को सेंटर से फोल्ड करना है और हैंड स्टिच करते हुए इस पर छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए सिलाई करनी है इस तरह से। और इसके सेंटर पर हमें बराबर में मोती को अटैच करना है। तो इस तरह से देखिए, कुछ हम ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो एक डिज़ाइन बनाकर मैंने आपको दिखा दिया है। इसी तरह से और एक डिज़ाइन मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, सेंटर पे छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए सिलाई करना है पहले, और अच्छे से इस पर गांठ लगा देना है, और फिर सेंटर में बराबर में हमें एक मोती को अटैच करना है सिलाई करते हुए। तो ये डिज़ाइन हमें इस तरह से बनानी है, आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हमें सारे डिज़ाइन को बराबर में बना के रख लेना है। जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें ब्लाउज़ में यूज़ करने के लिए, सारे डिज़ाइन को बना लेंगे। और अब हम लेंगे पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को, और फिर देखिए, एक एक डिज़ाइन इसके ऊपर इस तरह से बराबर में बिल्कुल चिपकाते हुए रखना है, और सिलाई करते हुए बराबर में पेपर पेस्टिंग के साथ सारे डिज़ाइंस को जॉइंट करना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक साइड बराबर में इसे जॉइंट कर दिया है पेपर पेस्टिंग के साथ, और इसी तरह से अब दूसरे साइड भी हम इसी तरह से बिल्कुल चिपकाते हुए सारे डिज़ाइंस को अच्छे से पेपर पेस्टिंग के साथ जॉइंट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, दोनों तरफ मैंने बराबर में सिलाई कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे कट कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों साइड हमें कट करना है। तो एक साइड देखिए, मैंने बराबर में कट कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी बराबर में कट करेंगे। और इस पर अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए, हमें उड़े हुए पट्टी लेना है, यानी क्रॉस पट्टी लेना है इस तरह से। और इस वाले पार्ट को हमें उल्टे तरफ पलट लेंगे, और नीचे का साइड हमें पाइपिंग को बराबर में इस तरह से रखना है, यानी पाइपिंग वाले फैब्रिक को रखना है। और एक पैर का मार्जिन लेते हुए, यानी जितना भी आप चौड़ाई रखना चाहते हो पाइपिंग को बनाने के लिए, आप उतनी ही सिलाई को लगाइएगा। और फिर सिलाई को इस तरह से बराबर में करना है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और अब सीधे तरफ को पलट लेंगे, और फिर पाइपिंग को जितनी भी बारीक आपको बनानी है उसी तरह से पाइपिंग को बनाते हुए सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक साइड बराबर में पाइपिंग को बना लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी पाइपिंग को बनानी है। तो दोनों साइड मैंने पाइपिंग को बना दिया है। तो इसे करते हैं साइड, और एक हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, हमें इस तरह से राउंड में फैब्रिक लेना है, और नीचे का साइड हमें इस तरह से लेस को अटैच करना है सिलाई करते हुए। बिल्कुल राउंड में ही हमें लेस को अटैच करना है। एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे, और सेंटर पे हमें रेडीमेड डोरी यूज़ करना है इस तरह से। सेंटर पे रेडीमेड डोरी आप चाहे तो ले सकते हैं, या फिर कपड़े वाली डोरी भी बना कर ले सकते हैं। तो इस तरह से सेंटर पे डोरी को रखेंगे, और साइड से सिलाई करते हुए डोरी के साथ फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी एक फ्लावर बन के रेडी है। इसी तरह से दूसरे फ्लावर को भी बना लेना है। दोनों फ्लावर बन चुके हैं, तो इसे करते हैं साइड। अब हम लेंगे बैक पार्ट को, और बैक पार्ट के कॉर्नर पर इस साइड देखिए, हमें इस तरह से इस वाले लेस को बराबर में गले के कॉर्नर पर सिलाई करते हुए जॉइंट करना है इस तरह से। और इस साइड देखिए, एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे, और इसी साइड से और एक लेस हमें लगानी है। तो नीचे के साइड से देखिए, और एक लेस हमें इस तरह से थोड़ी सी गैपिंग रखते हुए जॉइंट करना है लेस को इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, हमने लेस को बराबर में जॉइंट लगा दिया है। अब जो हमने पेपर पेस्टिंग वाले डिजाइन को बनाई थी, इस वाले डिजाइन को ले लेंगे, और इस साइड देखिए बराबर में पहले इसे मिलाते हुए रखना है, और अच्छे से इस पर पिनअप कर लेंगे। और नीचे का साइड देखिए, हल्का सा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो डिज़ाइन है वो फिनिशिंग के साथ आए। और इस पर अब हम सिलाई लगाकर जॉइंट लगाएंगे। तो मैंने बराबर में देखिए पिनअप कर लिया है। अब एक साइड से पहले सिलाई करते हुए इसे जॉइंट लगाएंगे। सिलाई को नीचे का साइड पक्का कर लेंगे इस तरह से, और अब पेपर पेस्टिंग के दूसरे साइड से भी सिलाई करते हुए इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, जो ये हमारी डिज़ाइन है, अच्छे से मैंने सिलाई करते हुए इसे पक्का कर दिया है। और हमने जो डोरी बनाई है, यानी जो हमने फ्लावर वाली लटकन बनाई है, लटकन को बराबर में गले के दोनों कॉर्नर पर रखना है 2 इंच की दूरी पर, और अच्छे से सिलाई करते हुए इसे जॉइंट कर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने डोरी को अच्छे से जॉइंट लगा दिया है। अच्छे से इस पर गांठ लगा देंगे।
तो आज की ये सिंपल से ब्लाउज की डिज़ाइन बन चुकी है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लाउज की डिज़ाइन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।